वेलकम स्टूडेंट्स, आई साकेत मोहन श्रीवास्तव हेयर टू टीच अबाउट द अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। वी आर इन साइंस स्टडी सेंटर, सो आई वेलकम यू वंस अगेन फॉर द न्यू सेशन ऑफ दिस अकाउंटिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्लास टेंथ के रिजल्ट आने वाले हैं और हमें क्लास इलेवेंथ में एडमिशन लेना है। बहुत बच्चों ने डिसाइड किया कि हम अकाउंट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे। आखिर कॉमर्स है क्या, क्यों हमें कॉमर्स लेनी चाहिए? और बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर अकाउंट्स ले लेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बिजनेस पढ़ेंगे, इसका बेनिफिट क्या है हमें? यस, इट्स अ वेरी राइट क्वेश्चन कि बेनिफिट है क्या। उसी बेनिफिट को समझना है, कुछ अकाउंटिंग समझनी है, आखिर क्या करना है हमें लाइफ में इस अकाउंट्स को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज दिस अकाउंट्स। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अकाउंट्स मींस ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, कुछ भी चीज़ें उसको ऐड और माइनस करते जाइए, अकाउंट्स हो गई। हम बैंक में जाते हैं, वहाँ पे हमारा अकाउंट्स है, मेरा पर्सनल अकाउंट है। अकाउंट, अकाउंट्स, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं। तो वन बाई वन हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे आज। अब एज अ सब्जेक्ट अकाउंटिंग है क्या, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, हमें क्या करना है इस सब्जेक्ट में, क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें आज समझनी होगी। तो जब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो अब इसकी स्टार्टिंग हम लोग करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इम्पार्टिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। दे आर सर्टन वर्ड्स सच एज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। व्हाट यू मीन बाय रिकॉर्डिंग? अब वर्ड आता है रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग मीन्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को लिखना या रिकॉर्ड करना। जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं या अकाउंट्स की बात करते हैं तो बिना रिकॉर्ड किए तो हम कभी आपके अकाउंट्स के बारे में बता ही नहीं सकते। इवन आप बैंक में जाते हैं, बहुत छोटी टर्मिनोलॉजी लेके चल रहे हैं भी हम अकाउंट्स, जैसा कि आप लोग समझते हैं कि बैंक में मेरा अकाउंट है, यही मेरी अकाउंटिंग है, यही मेरा अकाउंटेंसी है। तो उसी को बेस लेते हैं। अगर हम बैंक में पैसे डिपॉजिट भी करते हैं तो वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फिर एक वर्ड आता है समराइज करना, फिर आपके ही अकाउंट को वो टोटल करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपके अकाउंट में आज की डेट में कितने पैसे हैं या कितने आपने विड्रॉ किए या कितने डिपॉजिट किए। ये सारी की सारी चीज़ों को हम लोग आखिरी में फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट के वर्ड में आते हैं। देखिए फिर से इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये है क्या पूरी चीज़ें। इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी। यानी पैसे से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन सबको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई वर्ड का क्या मतलब है, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, किस हेड से हैं, उसको हमें देखना है। फिर समराइज करते हुए, समराइज करना मीन्स अब एक एक चीज़ को समराइज किया, एक एक हेड के वाइज हमने इस पर समराइज किया और फिर आखिरी में हम ये चेक करते हैं कि उससे हमारा रिजल्ट क्या बन रहा है। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। आखिर अकाउंटिंग की क्या करेक्टरिस्टिक है, उन्हें भी तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि अकाउंटिंग है क्या, क्यों है, कैसे है। तो इस पर इन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीजें हमने ले रखी हैं। Accounting is an art as well as science. Why it is an art? Why it is a science? Now the question is arises कि ये art भी है और science भी है। What the art subject define? Art आखिर है क्या? It's a creative thing. जब मैं arts की बात करता हूँ तो creativity आती है। अब creativity किस चीज़ की है? Proper way में चीज़ों को record करना, day wise transaction की recording करना, it is an art. अब बात ये आती है कि science क्यों है? What a subject become science? When a subject become a science? एक subject science कब बनता है? उसका बड़ा simple सा फंडा है, उसके कुछ rules, regulations, principles, concept, conventions। तो इन सारी चीज़ों को अगर हमें देखना होगा तब वो जाके क्या subject बनता है? Science बनता है। तो accounting में भी देखिए, अब आप ध्यान दीजिए, एक चीज़ हमने पढ़ी recording, तो record करते वक्त हमें क्या करना है, बिल्कुल system को follow करना है, it's an art। अब science क्यों हो गई?
साइंस बनने के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन चाहिए। सेम अकाउंटिंग के भी हैं। अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, कन्वेंशंस क्या है। बिना उन्हें फॉलो किए आप कभी भी अकाउंटिंग रिजल्ट को ड्रॉन नहीं कर सकते। सो इट इज नेसेसरी टू हैव अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एज वेल एज यूजिंग द रूल्स, रेगुलेशन एंड ऑल द प्रिंसिपल्स एज अ साइंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब क्वेश्चन ये उठते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दिस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? एंड बिफोर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमें ये जानना होगा कि ट्रांजेक्शन क्या है, और ट्रांजेक्शन को भी जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि बिजनेस क्या है। बिजनेस, बिजनेस मीन्स एनी एक्टिविटीज विच इज रेगुलर इन डीलिंग और रेगुलर इन नेचर विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एट द सेम टाइम इट शुड बी लीगल इन नेचर। अब मैंने क्या कहा, बिजनेस क्या है? कोई भी एक्टिविटी जो कि हम रेगुलरिटी के बेसिस पे करते हैं, वन डे वर्क नहीं है, इट्स अ रेगुलर वर्क, और वो हमारा बिजनेस कहलाएगा अगर हम उसको रेगुलर नेचर पे लेके चल रहे हैं और हमारा मोटिव क्या है, उसमें प्रॉफिट अर्न करना, और साथ साथ वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, पूरी तरीके से लीगल। तो अब बिजनेस ट्रांजेक्शन, अब बिजनेस तो हमें क्लियर हो गया, अब ट्रांजेक्शन क्या है? अब एक बिजनेस में कई तरीके के ट्रांजेक्शन होंगे। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें पैसे का लेन देन होगा, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होगा। तो अकाउंटिंग कहती है वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हमें क्या रिकॉर्ड करना है? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अलावा हमें किसी और चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करना है। अकाउंटिंग बहुत ही क्लियरली कहती है कि वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है, नॉन फाइनेंशियल क्या है? फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की मैं बात करता हूं, एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या है, नॉन फाइनेंशियल क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो है जहां पे मनी एंड मनी वर्थ है, जहां क्या रिकॉर्ड होगा, मनी। नॉन फाइनेंशियल दैट इज मनी वर्थ इज नॉट रिक्वायर्ड, और नॉन मोनेटरी वी कैन से। अब बात आती है कि एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें मनी की रिक्वायरमेंट है और एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, हमने वेजेस पेड की फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग आर बिजनेस। तो रॉ मटेरियल परचेज करना, वेजेस पेड करना, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जबकि अगर हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, अगर हमारे यहाँ वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, ये सब क्या है? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग क्या कहता है? अकाउंटिंग सेज वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो यानी जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, वेजेस पेड की, दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। और जैसे ही हमने देखा कि लोगों ने स्ट्राइक की या कुछ और इवेंट हो रहे हैं जिसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, तो दे विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके अलावा हमें और कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करनी है। ओके, अब मनी और मनी वर्थ से यहां क्या मतलब आता है, इसको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी आर परचेजिंग रॉ मटेरियल फॉर रुपीज 50,000। अब मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया 50,000 रुपीज के, ऐसे रॉ मटेरियल को परचेज करके हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? तो वहां पे अकाउंटिंग में कभी भी रॉ मटेरियल का वेट, केजी, ये सब हमें शो थोड़ी करना है। कितने रुपए का आया, हाउ मच अमाउंट इज इन्वॉल्व इन परचेजिंग दिस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, वी विल टेक हियर रॉ मटेरियल रुपीज 50,000। कितने का परचेज किया हमने? 50,000 का रॉ मटेरियल परचेज किया। नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली रुपीज 50,000। हमें वहां और किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें ये नहीं देखना है कि रॉ मटेरियल क्या था, कितने केजी था, इन सब की अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। वी आर पेइंग द वेजेस, वी आर पेइंग द सैलरी,
अब मैं वेजेस पेड कर रहा हूँ, सैलरी पेड कर रहा हूँ, सपोज वी आर हैविंग 1000 ऑफ वर्कर्स, तो मैं वहाँ 1000 वर्कर्स के नाम थोड़ी लिखूंगा, मैं सिर्फ वहाँ पे क्या लिखूंगा, अमाउंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी दैट हैज़ टू बी पेड टू द वर्कर्स. सो इट मीन्स द रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली. सिर्फ और सिर्फ हमें किस में रिकॉर्ड करना है, अकाउंट्स में, मनी के टर्म्स में, और कोई चीज की रिकॉर्डिंग नहीं होती अकाउंट्स में कभी. नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग. व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफाइंग हियर? क्लासिफाइंग का मतलब क्या है आखिर? अब क्लासिफाइंग करना है मुझे, मेरे पास बहुत सारी चीजें, सपोज करते हैं मेरे पास बहुत सारे कलर्स की बॉल हैं, मैंने कहा कि आप इसको अलग अलग उसमें क्लासिफाई करिए, तो आपने रेड कलर की बॉल अलग कर दी, ग्रीन अलग कर दी, येलो अलग कर दी, पिंक अलग कर दी, इसका क्या मतलब है? हमने उसको अलग अलग हेड में ट्रांसफर किया. ऐसे अकाउंटिंग भी कहती है. अगर मेरे पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं, एक दिन में एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, हो सकता है कि हमने परचेजिंग की हो सकता है हमने रॉ मटेरियल परचेज किया हो, वेजेस पेड किया हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहे हैं, पैसे आ भी रहे हैं और पैसे जा भी रहे हैं, तो किस हेड से आ रहा है, किस हेड में जा रहा है, उसे हम कहते हैं क्लासिफाई करना. यानी पैसे का इनकमिंग हुई है या आउटगोइंग हुई है, इट्स एन एक्सपेंस और इट्स एन इनकम. सो इन एक्सपेंस, इनकम, इन सारे हेड्स में जब हम इसको शो करते हैं, दैट विल बी कंसिडर एज अ क्लासिफाइंग. इज दैट क्लियर? नाउ आर नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग. समराइजिंग वर्ड का क्या मतलब है? जितने भी हेड्स में हमने इसको क्लासिफाई किया है, अब उसका सम टोटल निकाल लो. टोटल मैंने खर्चे कितने किए, उन खर्चों में वेजेस कितना पेड किया है, उसमें रॉ मटेरियल कितना पेड किया है, जब हम हर एक हेड का टोटलिंग करते हैं, तो दैट विल बी कंसीडर एज अ समराइजिंग. तो हमने स्टेप बाय स्टेप क्या समझा? साइंस, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. इट रिकॉर्ड्स ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अलावा हमें इन टर्म्स ऑफ मनी ही शो करना है. फिर हम आते हैं उसे अलग अलग हेड में क्लासिफाई करने के बारे में. जब हम अलग अलग हेड में क्लासिफाई करेंगे, फिर उसकी हमें एट लास्ट हमें करना क्या है, उसकी समरी भी क्रिएट करनी है. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल. थोड़ा सा एडवांस स्टेज की चीज़ है, लेकिन हमें समझना होगा कि आखिर ये अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है. अगर जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हमें यही नहीं समझ आएगा कि आखिर हम अकाउंट्स बना क्यों रहे हैं. तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है. आइए देखते हैं क्या चीज़. अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल, फर्स्ट स्टेप इज आर ट्रांजेक्शन, देन जनरल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, एंड देन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट. ये सब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है. अभी तक आपने मेरे ख्याल से सुना भी नहीं होगा कि ये है क्या, लेकिन क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है. मैंने आपको ट्रांजेक्शन के बारे में बताया ही है. ट्रांजेक्शन मीन्स वॉट एवर बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस दैट आर बिकम द पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहला स्टेप. दूसरा स्टेप हमारा आता है जनरल. जनरल इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, सबसे प्राइमरी स्टेज है. आपने ट्रांजेक्शन देखे, उसे आपने जनरलाइज किया, क्योंकि ये इसकी लैंग्वेज है. जनरल इज बेसिकली अ लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग. जब आप उसे जनरलाइज करोगे, दैट मीन्स कि वी आर फॉलोइंग द डिफरेंट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और वो आगे चल के हमें पता चलेगा वो तीन डिफरेंट गोल्डन रूल क्या है. उसे हम लोग गोल्डन रूल का नाम जानते हैं. किस नाम से जानते हैं उसे हम? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से उसे हम लोग जानते हैं. जब भी हम बात करेंगे जनरल की, वेट, जनरल को हम लोग तीन गोल्डन रूल में बांटते हैं. रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल. रियल, नॉमिनल, पर्सनल, इसी के बेस पे हम अपनी पूरी अकाउंटिंग की जनरलाइजिंग करते हैं. जनरलाइजिंग मीन्स बेसिक और एकदम बेस स्टेज की जो एंट्रीज होती है, उसे हम क्या कहेंगे? जनरल करना. और जैसे ही हम जनरल को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम हेड वाइज अकाउंट बनाते हैं, उसे हमने क्या नाम दिया है? लेजर. लेजर मीन्स जो हमने पढ़ा था, समराइजिंग. सबसे पहले रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग. समराइजिंग में हम कहाँ पे आ गए? अलग क्लासिफाइंग. इट्स लेजर इज अ क्लासिफाइंग. अलग अलग हेड में हम क्लासिफाई करेंगे कि ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, ये वेजेस के हेड में जा रहा है, ये सैलरी के हेड में जा रहा है. दैट इज कॉल्ड द लेजर. और उस लेजर की जब हम बैलेंसिंग करते हैं, दैट विल बी कंसीडर एज ट्रांसफर इनटू द ट्रायल बैलेंस.
और उसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे अकाउंटिंग सबसे आखिरी का स्टेप क्या कहता है हमारा, कि जब भी हमें अकाउंटिंग करनी है तो हमें अपना कहीं ना कहीं रिजल्ट ड्रॉन करना है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। आगे चलेंगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट ही हमारा क्या है, एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग है। जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग, डायरेक्टली सेज ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंसिंग। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ऑब्जेक्टिव। आखिर हम अकाउंटिंग प्रिपेयर क्यों करते हैं, अकाउंट करते क्यों, अकाउंटिंग बनाते क्यों हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है इसे समझना कि आखिर इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट, सपोज कर लीजिए यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, किसी ने आपसे पूछ लिया भाई अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर कर रहे हो, क्या उद्देश्य है इसका, क्या ऑब्जेक्टिव, व्हाई यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर अकाउंट। सो द रीजन इज दैट टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी हमने बात की थी कि बिजनेस क्या है, एकदम क्लियर होगा आपको। फिर बात आती है बिजनेस ट्रांजेक्शन की, उसमें भी दो हेड हमने देखे थे, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। अकाउंटिंग में सिर्फ क्या यूज होना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो पहला ऑब्जेक्टिव मेरे अकाउंटिंग का क्या है, टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, और वो भी कौन से, फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन। इज दैट क्लियर। जितना भी विद इन अ ईयर, विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक और अ डे जो कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, whether it's a large amount or the small amount, but it is related to your business, that has to be recorded in your accounting. और मेरा पहला objective ये है कि जितने भी transaction है finance से related, उन्हें हमें कहाँ record करना है, अपने books of account में। अब जब मैंने record किया, classify किया, summarize किया, तो दूसरा objective मेरा अपने आप ही पूरा हो गया। क्या है objective? To calculate profit and loss। पता चल जाएगा कि business ने profit earn किया है या loss suffer किया है। फिर जब प्रॉफिट और लॉस आपने पता कर लिया, तो टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देखिए सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड है, आपको बड़ी इजीली पता चल जाएगा कि आपकी बिजनेस या आपकी कंपनी या आपकी फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस सफर कर रही है। और अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है देन इट्स वेरी गुड, कोई आपसे नहीं पूछने आता है कि आप इतना अच्छा प्रॉफिट क्यों अर्न कर रहे हो। लेकिन जिन्होंने आपके यहाँ इन्वेस्ट किया है, अगर आपने लॉस सफर करना शुरू किया, तो फिर वो आपसे पूछना शुरू करेंगे, सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सफरिंग दिस लॉस। तब आप रीजन भी बता सकते हो, द एग्जैक्ट रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अर्निंग द प्रॉफिट और सफरिंग द लॉस। तो वो भी हमें कहां से पता चलता है, अकाउंटिंग से। अब आपने कहा सर अकाउंटिंग से कैसे पता चल जाएगा प्रॉफिट या लॉस, हमने कहा ये देखिए मेरी नेट सेल्स थी 50 लाख रुपए की और मेरे जो सारे के सारे एक्सपेंस थे वो मोर देन 60 लाख। तो जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल सा बच्चा बता सकता है भाई अगर आपकी इनकम 50 लाख है और आपके एक्सपेंस 60 लाख हैं तो आप किस में हो, लॉस में। तो हम किस चीज़ पे एम्फेसिस करेंगे, अपने एक्सपेंसेस को डिक्लाइन करने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे अपने एक्सपेंसेस को कम करना होगा, तभी मैं इस लॉस से हट करके किस में आ जाऊँगा, प्रॉफिट में आ जाऊँगा। तो ये भी मुझे किसने बताया, मेरे अकाउंटिंग ने ही बताया। मैंने अकाउंट प्रिपेयर की, मुझे पता चला कि भाई मैं लॉस में जा रहा हूँ, चलो भाई इसको सही किया जाए। और जब मैं सही करने की प्रोसीजर पे आऊंगा, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, एसरटेन तो मैंने यही कर लिया कि मैंने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस सफर किया। और जैसे ही मैंने इस चीज को किया, तो मुझे नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग के लिए भी मदद मिल गई। अब कहोगे सर नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग का अकाउंटिंग के इससे क्या, रिजल्ट से क्या मतलब है? बिल्कुल है। इस साल अगर मैंने लॉस सफर किया है, तो उसको कहीं ना कहीं रिकवर करने के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए मैं पूरा बेस तैयार करूंगा कि भाई कम से कम लॉस हो, या कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट नहीं भी आ रहा है क्योंकि स्टार्टिंग बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने लॉस को कर्टेल करूं, कम करूं और आगे आने वाली सिचुएशन में उसको मैं सही करूं। एक और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंट प्रिपेयर करने का, टू प्रिवेंट डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। नाउ देयर आर द टू टर्म्स, वन इज एरर एंड अनदर वन इज योर फ्रॉड। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कभी सोचा है एरर क्या है, फ्रॉड क्या है? चलिए इसको भी समझते हैं। एरर मींस बाय मिस्टेक एंड फ्रॉड मींस, समझ गए आप, फ्रॉड जब आप पूरे मन और दिमाग को लगा करके उसको करने की कोशिश करते हो, दैट इज कंसीडर एज फ्रॉड। अब अकाउंटिंग का एरर और फ्रॉड से क्या लेना देना है, बड़ी सिंपल सी बात है। मेरा बिजनेस था, प्रोडक्ट को हम सेल करते थे, मार्केट से परचेज करते थे, फिर उसको हम रीसेल करते थे। बड़ा सिंपल सा बिजनेस था, परचेज एंड रीसेल। वी आर इन अ रिटेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस में हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा रिटेल था। और रिटेल एक नॉर्मल
बंदा भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपको बहुत हाईली क्वालिफाइड होना होगा। लेकिन अब उसका अकाउंटिंग से एरर फ्रॉड का क्या मतलब है? मैं खुद रिटेल बिजनेस में इन्वॉल्व होकर के गुड्स परचेज करके लाता था और मेरे बंदे लगे थे सेल्स के लिए जो प्रोडक्ट को सेल आउट करते थे। जब मैं गुड्स परचेज करके ला रहा हूँ रेगुलर नेचर पे, रेगुलरली हमारे यहाँ हर महीने प्रोडक्ट आ रहा है और खूब अच्छे से सेल आउट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मुझे किस में होना चाहिए? प्रॉफिट में होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी नहीं है गोडाउन में। इसका मतलब जो कुछ भी हम ला रहे हैं उसे सेल कर रहे हैं, और अगर सेलिंग हो रही है तो मुझे किस में होना चाहिए? अच्छे खासे प्रॉफिट में। बट अगेन प्रॉब्लम क्या आ गई कि हमें प्रॉफिट ना मिल करके क्या मिल रहा था? लॉस आ रहा था। उसके लिए हमने ढूंढना शुरू किया अकाउंटिंग में, तो हमें क्या मिला कि वहाँ पर कुछ एरर्स हुए हैं। एरर्स क्या थे? हमने अपने एक्सपेंस को जहाँ 15,000 था वहाँ 1,50,000 कर दिया था, वो गलती से, बाय मिस्टेक। तो अकाउंटिंग रिजल्ट हमारा किस में आ गया था? लॉस में आ गया था। एक रीज़न ये हो सकता है कि नहीं? इसे हम कहते हैं एरर, बाय मिस्टेक हमने एक जीरो इंक्रीज कर दिया था। अब फ्रॉड क्या है? कुछ ऐसे एक्सपेंस से जो मेरे अकाउंटेंट ने जानबूझ के शो किए, क्योंकि अकाउंटेंट के पास ही सारा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी ही पूरे राइट्स से सारे खर्चों को करने के लिए उसी के पास पूरे अधिकार थे कि जो भी खर्चा हो रहा है वो आप करते भी जाओ और साथ साथ रिकॉर्ड करते जाओ। अब आप सोचिए, जो बंदा खर्च कर रहा है वही रिकॉर्ड कर रहा है, उसने क्या दिमाग लगाया? चलो हम कुछ ऐसे एक्सपेंस दिखा देते हैं जो कि है ही नहीं, इमेजिनरी एक्सपेंसेस को उसने दिखा दिया। अब वो इमेजिनरी एक्सपेंसेस को दिखा करके उसने अपने प्रॉफिट को क्या कर दिया? कम कर दिया, जबकि वो था ही नहीं एक्सपेंस। फिर हमने अकाउंटिंग उससे पता करना शुरू किया। जब हमने देखा सारे वाउचर चेक किए तो पता चला ऐसा कोई वाउचर ही नहीं जिसमें ये शो किया जा रहा है कि ये खर्चे हुए हैं, तो दैट विल बी कंसीडर एज योर फ्रॉड। तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग वी कैन फाइंड आउट द एरर्स एज वेल एज फ्रॉड एंड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस, अकाउंटिंग कैसे वेरियस पार्टीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, एंड वॉट आर द डिफरेंट पार्टीज और द वेरियस पार्टीज दोज हु आर इन्वॉल्व और इंटरेस्टेड इन आर अकाउंटिंग। मेरी अकाउंटिंग में दूसरों का क्या इन्वॉल्वमेंट है भाई? बिजनेस मेरा, प्रॉफिट मेरा, मैं किसी को बताऊं चाहे ना बताऊं, बट रूल ये कहता है कि आपको हर साल अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उस अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के बाद बहुत सारे लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड आउट करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आता है, अरे भाई मैं क्यों बताऊं? तो इसका रीज़न भी बहुत सिंपल सा है, किसी भी बिजनेस में सिर्फ आपका अपना खुद का पैसा नहीं होता है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, आपके इन्वेस्टर्स, आपके क्रेडिटर्स जिन्होंने आपको उधार पे रॉ मटेरियल दिया है, जिन्होंने आपको उधार पे बहुत सारे प्रोडक्ट दिए हैं सेल आउट करने के लिए। अब कहीं ना कहीं वो आपके प्रॉफिट पे इन्वॉल्व होंगे कि नहीं? अब आपने क्या कहा कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज हमारी प्रॉफिट ही नहीं है, तो उन्होंने कहा दिखाइए आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर आप पकड़ में आ गए, नहीं भाई प्रॉफिट तो हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी ही अकाउंटिंग बहुत सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब मेरे क्रेडिटर्स ने मुझे देखा कि मैं हर साल अच्छे प्रॉफिट में हूँ, तो उन्होंने मुझे और रॉ मटेरियल देना शुरू कर दिया। मेरे बैंक ने देखा कि यार इसका तो बैलेंस शीट और इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो वो मुझे क्या देगा? तुरंत फाइनेंशियल असिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। जैसे ही मुझे लोन चाहिए, जैसे ही मुझे मार्केट से अच्छे पैसे चाहिए, वो सब हेल्प कौन करने आ जाएगा? बैंक मुझे हेल्प करेगा। मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे शेयर होल्डर, जैसे ही मेरी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया तो नए नए लोग भी मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अकाउंटिंग ही है जो मेरे बिजनेस को क्या कर रही है? हेल्प कर रही है ग्रो करने में, प्रॉफिट अर्न करने में, मार्केट से इन्वेस्टमेंट रेस करने में, और सबसे आखिरी जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो कौन है? वो हमारी गवर्नमेंट है। अगर मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस शो करूँगा, उसी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के ही बेसिस पे मैं क्या करता हूँ? ITR फाइल करता हूँ, और उसी ITR पे गवर्नमेंट की अपने रेवेन्यू होती है। सो वी आर द हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर इन द इकॉनमी, और इसी अमाउंट का गवर्नमेंट हमारे ही डेवलपमेंट में खर्चा करती है। तो अगर मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, अब देखिए तीनों का सबका आपस में क्या इंटरलिंक्ड है अकाउंट से, बहुत आराम से सुनिएगा। बिजनेस किया हमने, प्रॉफिट अर्न किया, जैसे ही पहले साल मैंने प्रॉफिट अर्न किया तो जाहिर सी बात है मैंने कुछ ना कुछ टैक्स भी पेड किया। एक तरफ गवर्नमेंट की इनकम हुई, मुझे क्या बेनिफिट मिला इनकम शो करके? मुझे मार्केट में एक अच्छी गुडविल क्रिएट करने को मिली कि हाँ भाई बिजनेस बहुत अच्छा है, नए लोग भी मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने आएंगे,
उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने उनके इन्वेस्टमेंट को यूज़ किया, बिज़नेस को और ग्रो किया, बहुत सारे लोगों को इनकम और एम्प्लॉयमेंट मिली, उस इनकम एम्प्लॉयमेंट से उनके यहाँ भी इनकम अर्न हुई, उन्होंने गुड्स का कंजम्पशन शुरू किया। अब देखिए मेरे ही अकाउंटिंग के रिजल्ट से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, मैंने मार्केट से लोन ले लिया, गवर्नमेंट को अच्छा खासा इनकम टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट की उसी इनकम टैक्स और उन्हीं के रेवेन्यू से गवर्नमेंट आपके लिए रोड बनवा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर अकाउंटिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, और इसी प्रॉपर अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही फेवरेट और हम कह सकते हैं बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं सर अकाउंट भी वही है, बुक कीपिंग भी वही, डिफरेंस क्या है? तो स्टार्टिंग से इसको समझते हैं। पहला वर्ड आता है बुक कीपिंग, एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है। बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी एंड मनी वर्थ। अब आप कहोगे सर अकाउंटिंग में भी तो यही डेफिनेशन थी, तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग डिफरेंट कहां से हो गए? फिर से इसको मैं पढ़ता हूं, इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी एंड मनी वर्थ। रिकॉर्ड हमने वहां पे भी किया। अगर हम अकाउंट्स की डेफिनेशन पे आ जाएं, अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग समराइजिंग एंड एज वेल एज एनालिसिस ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में कि बुक कीपिंग भी पूरी तरीके से अकाउंटिंग के ही फंक्शन को कर रहा है। यानी बुक कीपिंग भी कहता है कि हमें रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग भी कहता है रिकॉर्ड करना है, बुक कीपिंग कहता है कि हमें उसे क्लासिफाई करना है, अकाउंटिंग भी कहता है मुझे क्लासिफाई करना है, बुक कीपिंग कहता है कि मुझे उसे समराइज करना है, अकाउंटिंग भी कहता है समराइज करना है, बुक कीपिंग कहता है उसे प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर करिए, अकाउंटिंग में भी कहा प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर करिए। सिर्फ बुक कीपिंग एक जगह छूट गया जो अकाउंटिंग उससे आगे बढ़ती है, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। वॉट इज दिस इंटरप्रिटेशन? द प्रॉफिट एंड लॉस, द बैलेंस शीट, वो सारी चीजें किसके हिस्से में आ गई? आपके अकाउंटिंग के हिस्से में। यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। बुक कीपिंग कहता है कि रिकॉर्ड करो, सब कुछ करो, समराइज करो, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर करो, लेकिन कभी भी बुक कीपिंग नहीं कहता है टू फाइंड आउट द रिजल्ट, एंड रिजल्ट। और ये एंड रिजल्ट हमें कौन देता है? अकाउंटिंग। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट आ गया, अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट की ही उसमें कंसीडर किया जाएगा। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, वेयर एज बुक कीपिंग इज समहाउ इट्स अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसे हम ऐसे भी समझते हैं, सपोज दिस इज आर अकाउंटिंग, दिस सर्किल इज अकाउंटिंग, दिस इज आर अकाउंटिंग, ये क्या हमारा अकाउंटिंग है। इसमें एक पार्ट और आ गया बुक कीपिंग। अब देख के समझ में आ रहा है, यानी बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये पूरी की पूरी बुक कीपिंग किसके अंदर है? अकाउंट्स के अंदर ही है, ये उससे अलग नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, क्योंकि अकाउंटिंग के ये पोर्शन जो हैं ये बुक कीपिंग में इन्वॉल्व नहीं है। इसी पोर्शन को हमने क्या नाम दिया है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट हम किसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, नॉट विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। यानी वो सारी प्रोसीजर जो बुक कीपिंग में होती है वो अकाउंट्स में भी है, लेकिन दोनों आखिरी में आकर के डिफ्रेंशिएट कहाँ कर गए? बुक कीपिंग हमें कभी रिजल्ट नहीं देगा और अकाउंटिंग हमें रिजल्ट देगा। अब थोड़ा सा हम दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखते हैं कि आखिर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस है क्या। आइए वेट वेट, नाउ लेट्स हैव अ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट इज स्कोप। अब आप अपने आप समझिए, दोनों में वाइडर स्कोप किसका होगा? अकाउंटिंग का, जबकि मेरे बुक कीपिंग का स्कोप क्या है? थोड़ा सा नैरो है। भले ही बुक कीपिंग सारा का सारा वही वर्क कर रही जो अकाउंटिंग को भी करना है, लेकिन कंपैरेटिवली इट्स स्कोप इज नैरो एज कंपेयर टू अकाउंटिंग। स्टार्टिंग किससे होगी किसी भी अकाउंटिंग प्रोसीजर में?
बुककीपिंग से, बिना बुककीपिंग की अकाउंटिंग तो कभी हो ही नहीं सकती है। सो इट्स अ प्राइमरी स्टेज एंड इट्स अ सेकेंडरी स्टेज। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बुक्स में जब आप जाओगे पढ़ोगे बहुत ज़्यादा उसमें ब्रॉड में दे रखा है, और कोई नहीं चाहता है पढ़ना, वो चाहता है डायरेक्ट टू द पॉइंट बात हो, और टू द पॉइंट यही कहानी है। ऑब्जेक्टिव बुककीपिंग कहता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। बुककीपिंग का काम क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। कहीं से भी बुककीपिंग ने नहीं कहा कि मुझे रिजल्ट ऑन करना है। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? असर्टेनमेंट ऑफ द नेट रिजल्ट, वेदर वी आर अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉस। तो विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग वी कैन रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ओनली, वी कैनॉट फाइंड द रिजल्ट, बट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग वी कैन फाइंड द रिजल्ट ऑल्सो। नेक्स्ट, नेचर ऑफ जॉब। यस, एकदम सही बात है, किस नेचर का है? अब आप अपने आप समझिए, आप बिजनेस रन कर रहे हो, उसमें कुछ इनकम हो रही है, कुछ एक्सपेंस हो रही है, डेली होना ही है, कुछ इनकम कुछ एक्सपेंस, कुछ पैसे आ रहे हैं कुछ पैसे जा रहे हैं, तो रिकॉर्ड करना क्या है? रूटीन वर्क है, यानी बुक कीपिंग इज अ रूटीन वर्क। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस सफर कर रहा है, ये हम कहाँ से पता करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? अपना अकाउंटिंग। इट्स अ एनालिटिकल वर्क। यहाँ पे एनालिटिकल क्यों वर्ड दिया गया है? व्हाट यू मीन बाय एनालिटिकल? एनालाइज करना, उसमें कहीं ना कहीं डेप्थ में जाना, उसकी स्टडी करना, और फिर बताना कि यस दिस अकाउंट इज करेक्ट, वी आर अर्निंग प्रॉफिट, वी आर सफरिंग लॉस। तो वो सारे का सारा एनालिसिस का काम किसमें होता है? आपके अकाउंटिंग में होता है। हु परफॉर्म, कौन परफॉर्म करेगा? आप अपने आप समझ गए, क्योंकि प्राइमरी नेचर है तो जूनियर लेवल स्टाफ परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप एनालाइज करने जा रहे हो तो कौन परफॉर्म करेगा? सीनियर लेवल स्टाफ। वहां पे जूनियर स्टाफ का काम नहीं है भाई, आप एनालिसिस कर रहे हो, आप रिजल्ट ड्रॉन कर रहे हो, आप उसके ऊपर पूरा का पूरा एक कंक्लूजन निकालते हो कि भाई हम प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो उसके लिए हमें जूनियर स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं, सीनियर स्टाफ चाहिए। नॉलेज लेवल, लिमिटेड नॉलेज, फिर वही बात आ गई, इसमें लिमिटेड क्यों है, इसमें थोड़ी हायर लेवल की नॉलेज क्यों चाहिए? लिमिटेड वर्ड आ गया, इसका मतलब आप समझिए, सिर्फ एक रूटीन वर्क है। रूटीन वर्क का मतलब ये होता है जो भी आ रहा ट्रांजेक्शन उसे रिकॉर्ड करते जाओ, प्रॉफिट लॉस या रिजल्ट की कोई चिंता नहीं है। प्रॉफिट लॉस और रिजल्ट की चिंता किसमें होती है? अकाउंटिंग में। तो जाहिर सी बात है कि इसमें लेवल ऑफ नॉलेज थोड़ा हाई चाहिए। एनालिटिकल स्किल, खुद ही समझ गया, एनालाइज करना किसे? अकाउंटिंग में। तो क्या एनालिटिकल स्किल हमें बुक कीपिंग में चाहिए? नॉट रिक्वायर्ड, जबकि अकाउंटिंग में पूरी तरीके से रिक्वायर्ड है। एक एग्जाम्पल भी लिया जाए, बहुत अच्छे से हमने इसको समझने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की, फिर भी कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये तो सर अकाउंटिंग वर्ड बता दिया इन्होंने, बुक कीपिंग अकाउंटिंग, इसका कोई ऐसा एग्जाम्पल भी होना चाहिए जो हमें बिल्कुल एक बार में मेरे माइंड सेट को क्लियर कर दे, यस दिस इज बुक कीपिंग एंड दिस इज अकाउंटिंग। तो एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं कि बुक कीपिंग में करना क्या है? रिकॉर्ड। अकाउंटिंग में करना क्या है? एनालाइज एंड रिजल्ट फॉर्मेशन। ये पॉइंट तो क्लियर है कि नहीं? आई थिंक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि बुक कीपिंग का काम कभी भी रिजल्ट ऑन करना नहीं होता है, जबकि अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट ही क्या है? फाइनल रिजल्ट ड्रॉन करिए, यही तो हमारी अकाउंटिंग है। अब आते हम लोग एक बहुत ही रूटीन लेवल के एग्जाम्पल पे, मेरे ख्याल से बहुत कम ही टीचर इस पे कभी फोकस भी करते होंगे या बताते ही नहीं होंगे, आपकी ही लाइफ से रिलेटेड है, जिसे हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिवाइड करेंगे। क्लास 10 तक बच्चे ने पढ़ाई की, इनमें से आप में से कुछ बच्चे क्लास के टॉपर होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेस मार्क्स लेके पास हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कंपार्टमेंट मिला है जिसे हम लोग रीटेस्ट कहते हैं। होता है ना, ऐसा क्यों होता है? कैसे ये रिजल्ट बन गया कि आपको फर्स्ट पोजीशन दी गई, सेकंड पोजीशन दी गई, थर्ड पोजीशन दी गई? अब आप अपनी इसको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पर जरा मैच करिए। थ्रू आउट द ईयर यू आर गिविंग फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स, इंटरनल असेसमेंट, देन हाफ ईयरली एंड एनुअल। जब तक एनुअल का रिजल्ट नहीं आता है तब तक कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता हु इज द टॉपर ऑफ द क्लास, एम आई राइट? लेकिन जब तक आप सारे एग्जाम देते रहते हो, ये तो आपको पता है कि आपको कितने कितने मार्क्स मिल रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करते रहते हो, लेकिन उसी कैलकुलेशन की रिकॉर्डिंग को करना, बहुत दिमाग से सुनिएगा, उन्हीं सारे एग्जाम्स की रिकॉर्डिंग को करना इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। एंड हु सिक्योर द हाइएस्ट मार्क्स इन द क्लास
and who secured the first position is a part of yes accounting. तो अकाउंटिंग क्या है? रिजल्ट ऑन कर रहा है. अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में अकाउंटिंग कब हुई और बुक कीपिंग कब हुई, तो आप बड़े इजीली बताओगे, सर साल भर मैंने मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, मुझे लगा था कि मैं फाइनली पास हो जाऊंगा, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी अपने रिजल्ट को हर बार मैं चेक करता था, मुझे ये तो था कि मैं पास हो जाऊंगा क्योंकि मैं बुक कीपिंग चेक करके इतना तो पता कर लिया था कि किसी भी सब्जेक्ट में रेड मार्क नहीं लगा है, इसका मतलब मैं क्या हूँ, पास हो सकता हूँ. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्लास में सेकंड पोजीशन होल्ड करूंगा. अब सोचो कि आपको पता ही नहीं था. क्यों? क्योंकि अभी अकाउंटिंग नहीं हुई थी और जो डिफरेंस ऑफ मार्क्स थे वो सिर्फ 0.1, 1, 2, 3 ओवरऑल जब हमने किया तो इस परसेंटेज से डिफरेंशिएट कर रहा था और आप मिरेकुलसली क्या कर गए, क्लास में सेकंड टॉपर बन गए. वो किसने बताया आपको? आपकी अकाउंटिंग ने. सो इट्स अ रूटीन वर्क इन योर लाइफ कि आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग बचपन से फेस करते आ रहे हो और आज इसी चीज़ को हम लोग ने अकाउंटिंग टर्मोलॉजी में जब ट्रांसफर किया तो ये क्या हो गई, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. होप यू ऑल आर एंजॉइंग द क्लास. बस आज के लिए एक लास्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा और बता देते हैं फिर इसको मैं वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा और एक बार रिकॉल भी करूँगा सारी चीज़ें. प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, आखिर अकाउंटिंग की प्रोसेस है क्या, अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होती, क्या है, कैसे है, एक बार इसको चेक किया जाए कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या है. सबसे पहला काम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन. याद आया क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम, वेदर द ट्रांजेक्शन इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल. तो सबसे पहले तो मैंने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल. देन प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स. वाउचर्स सुना है कभी आपने? व्हाट यू मीन बाय वाउचर्स? वाउचर्स हैं क्या? वाउचिंग एंट्रीज, अभी आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वाउचर एंड वाउचिंग एंट्रीज, ये सारे वर्ड अकाउंट्स के बहुत ही, जिसे हम लोग कहते हैं कि बिना वाउचर्स के तो अकाउंटिंग जीरो है. इट्स एन एविडेंस. पूरे अकाउंट्स की जो बैकबोन कहलाती है वो उसके वाउचर्स होते हैं. आखिर कैसे पकड़ में आएगा कि ये ट्रांजेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, उसके लिए हमें क्या चाहिए, वाउचर्स. अब वाउचर्स है क्या? वो आपका रिसिप्ट, वो आपका बिल, वो जो एविडेंस किसी भी ट्रांजेक्शन को प्रूफ करते हैं, दैट विल बी कंसिडर एज अ वाउचर्स. और आपको वाउचर एंट्री बनानी पड़ेगी डे टू डे, यानी हर दिन ये सारे ट्रांजेक्शन हुए और उसके सपोर्ट में वो सारी चीज़ों को अटैच करना पड़ेगा जो उसको सपोर्ट करके बताते हैं हाँ वास्तव में ये ट्रांजेक्शन हुआ है. रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. यस, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जनरल, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आप इसको रिकॉर्ड करिए. देन पोस्टिंग टू द लेजर. पहले हमने प्राइमरी एंट्री की, फिर हमने डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, दैट इज कंसिडर एज अ लेजर पोस्टिंग. और उस लेजर पोस्टिंग को करने के बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ट्रायल बैलेंस बनाओगे यानी हर अकाउंट्स का जो फाइनल टोटलिंग आएगी उसे शो करोगे. एंड लास्ट में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे हम अपने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड आउट करते हैं. फिर से समझते हैं पूरी प्रोसीजर क्या है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन वेदर इट्स अ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल. फिर प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उनके उनके प्रॉपर एविडेंस क्या है उसको लीजिए. फिर सारे रिकॉर्डिंग करिए ट्रांजेक्शन की, बेसिक एंट्री जिसको हम लोग कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री जिसको कहते हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया. फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद सेकेंड स्टेप पर हम आते हैं पोस्टिंग टू द लेजर. लेजर में उसको आप ट्रांसफ़र करिए और लेजर में ट्रांसफ़र करने के बाद फाइनली मैं क्या करूँगा, उसका आपको फाइनेंशियल रिजल्ट ड्रॉन करूँगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर बना करके बता दूंगा कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में. यहाँ तक की कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत अच्छा है. मन कर रहा है एक टॉपिक और आपको बता लूँ, फिर इसे मैं वाइंड अप करता हूँ. टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अब क्वेश्चन ये उठता है, अकाउंटिंग प्रिपेयर करते वक्त हमें किस तरह के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है. बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसमें क्या बात है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं फाइनेंशियल नेचर के रिकॉर्ड कर दिए. तो कुछ ने कहा सर बात तो सही है कि जो भी ट्रांजेक्शन है हमने रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन क्या सारे ट्रांजेक्शन नगद होते हैं? हमने बिजनेस की डेप्थ में गए तो हमें पता चला अरे यार सारे ट्रांजेक्शन तो कैश में होते ही नहीं है. कुछ ट्रांजेक्शन कैश में हो रहे हैं, कुछ क्रेडिट में हो रहे हैं, क्रेडिट मीन्स उधार पे, कुछ कैश हैं, कुछ क्रेडिट हैं. हमें किस तरह के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है कि मैं सही रिजल्ट ड्रॉन कर सकूं?
बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। दैट इज, देयर आर द टू बेसिस ऑफ द एसरटेनिंग द प्रॉफिट और लॉस, नेमली कैश एंड अक्रूवल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैश एंड अक्रूवल। कैश ट्रांजेक्शन जैसा नाम कह रहा है, विच आर इन्वॉल्विंग कैश एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जिसमें पैसे का लेन देन तुरंत किया गया है, वो हमारे कैश ट्रांजेक्शन है। अक्रूवल क्या कहता है, बिल्कुल थोड़ा सा उसमें एक लाइन और अटैच कर दो, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी वो ट्रांजेक्शन भी आप रिकॉर्ड करोगे जिसमें नगद और उधार दोनों हैं। और हमारी अकाउंटिंग बहुत क्लियरली कहती है कि हमें हमेशा ही अक्रूवल बेसिस पे ही अकाउंटिंग प्रिपेयर करनी चाहिए। इस चीज़ को बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अकाउंटिंग कभी भी कैश बेसिस पे ना होकर किस पे चलती है, अक्रूवल बेसिस पे। अगर मैं सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन की बात करूँ, सारी चीज़ों को इंटरलिंक करिएगा, बिजनेस हमने किया एग्जैक्ट, बिजनेस में इनकम और एक्सपेंस हुआ करेक्ट, इनकम वाली चीज़ों को इनकम साइड में ट्रांसफ़र किया, एक्सपेंस वाली चीज़ को एक्सपेंस साइड में ट्रांसफ़र किया, फाइनली दोनों का डिफरेंसेस निकाला तो हमने कहा कि भाई हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस सफ़र किया है। अगर इनकम ज़्यादा है तो हम प्रॉफिट में हैं, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो हम लॉस में हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, एक बार मैंने कहा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, दूसरे दिन मैंने कहा नहीं भाई मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे लॉस हुआ है, अब मैं टैक्स पेड करूंगा या नहीं पेड करूंगा, तो लोगों ने कहा नहीं टैक्स नहीं पेड करना क्योंकि आपको लॉस हुआ है। फिर कुछ लोगों ने क्वेश्चनिंग किया, भैया आप कल तो कह रहे थे कि आपको प्रॉफिट हुआ है और आज आपको लॉस कैसे हो गया? तो मैंने कहा कल मैंने थोड़े से वो ट्रांजेक्शन दिखा दिए थे जो कि कैश बेसिस पे नहीं थे, उधार पे थे, तो वो तो मुझे पैसे मिले ही नहीं हैं, वो इनकम मेरी हुई नहीं है, तो मैंने बेवजह उसको अपनी इनकम में दिखा दिया था, इस वजह से मेरी इनकम शो हो रही थी, मेरी इनकम ज़्यादा आ रही थी एज़ कम्पेयर टू माई एक्सपेंस। तो कुछ लोगों ने कहा हाँ ठीक बात कर रहे हो, जब पैसा आया नहीं तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड कर लें। ये बड़े मैंने मासूमियत से इस बात को कहा तो लोगों को समझ में भी आया, लेकिन गवर्नमेंट के पास जब ये बात गई तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसे तो तुम कभी भी प्रॉफिट में नहीं आओगे, तुम इस साल का जो एक्सपेंस है, जो इनकम है, आपने उधार बेचा, नेक्स्ट ईयर आपने और उधार दिखा दिया, उसके नेक्स्ट ईयर और उधार दिखा दिया, हर चीज़ आप क्रेडिट पे बेचते जा रहे हो, बाद में कैश ले लेते हो और हमें बताते नहीं हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एज द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस यू हैव टू रिकॉर्ड वेदर इट इज ऑन द कैश और ऑन क्रेडिट। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर कैश या क्रेडिट दोनों ही ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा वो एग्जैक्ट आएगा। ये बिजनेस में मान के चला जाता है, अगर पैसा आज क्लियर नहीं हुआ कल तो होगा ही ना, मैं किसी को उधार तो ऐसे दे नहीं दूंगा, और अगर मैं उधार पे सेल आउट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उधार से परचेज भी तो कर रहा हूँ। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक सिंपल सा रूल दिया गया है अकाउंटिंग प्रोसीजर में कि यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द अक्रूवल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश। कैश के ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आओगे, और अक्रूवल के ट्रांजेक्शन को जैसे ही रिकॉर्ड करोगे, यानी कैश और क्रेडिट दोनों को, तब आपको सही रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि वो पैसा आपको दो दिन बाद मिले, दस दिन बाद मिले, एक महीने बाद, वो आपकी अपनी बिजनेस पॉलिसी है, बट यू आर गोइंग टू कलेक्ट योर मनी एज अर्ली एज पॉसिबल। गवर्नमेंट यही मान के चलती है, गवर्नमेंट ने थोड़ी कहा कि आप उधार बेचिए, गवर्नमेंट ने कहा कि आप सेल आउट करिए, आप प्रॉपर अकाउंट्स बनाइए और उस अकाउंट्स को बना के मुझे रिजल्ट बताइए कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो लॉस सफ़र कर रहे हो। तो इसी रीज़न से हमने कौन से मेथड को फॉलो करना शुरू कर दिया, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और यही आपका सही रिजल्ट देता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, फ्रॉम द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन को हमें कंसीडर करना है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। इज दैट क्लियर और नॉट? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, एंड वी विल कंटिन्यू इन आर नेक्स्ट क्लास, हाउ टू प्रिपेयर द डिफरेंट अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन, वॉट आर द डिफरेंट टर्मोलॉजी दैट आर यूज इन आर अकाउंटिंग, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, वो सारी चीज़ें हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप यू ऑल इन्जॉय वेरी मच।
दिस इज़ आर फर्स्ट क्लास टुडे, सो ट्राई टू इन्वॉल्व योर सेल्फ एंड ट्राई टू रेज योर क्वेश्चन सो दैट वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑल्सो. और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछोगे उतने ही अच्छे में आपको आंसर देते हुए हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे. और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे और आपके बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, तभी वो पढ़ाई अच्छी होती है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.